सुशांत सिंह राजपूत जो कि आज हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन आज भी हम उनकी यादें अपने दिलों में बसाए हुए बैठे हुए हैं। लेकिन मैं आपको अब ये बताना चाहूँगी कि महाराष्ट्र पुलिस सुशांत सिंह राजपूत के केस देख करने वाली है एक बहुत बड़ा खुलासा। आइए जानते हैं क्या है वो खुलासा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ काजल सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ बिग हेडलाइंस में। दोस्तों, अगर हम बात करें सुशांत सिंह राजपूत की तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हमारे दिमाग में आते हैं कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत जो कि इतने उभरते हुए सितारे थे, उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया होगा। रिपोर्ट्स की माने तो वो डिप्रेशन का शिकार थे। वेल, लेकिन उनको ये डिप्रेशन हुआ कैसे, सबके दिमाग में यही सबसे बड़ा सवाल आता है। वेल, ऐसे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि महाराष्ट्र कैबिनेट मिनिस्टर यानी कि अनिल देशमुख ने अभी इस चीज़ का खुलासा किया है कि महाराष्ट्र पुलिस जो है इस जांच के पूरे तह तक जाएगी और इस चीज़ को ज़रूर देखेगी कि आखिरकार डिप्रेशन में जाने की वजह क्या थी सुशांत सिंह राजपूत की। अगर हम अनिल देशमुख की माने, इतना यंग एक्टर जिनकी सडनली इतनी जल्दी डेथ हो गई, उसके पीछे का आखिरकार असली वजह क्या है, क्योंकि कल ही से सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बवाल उठ रहा है कि ऐसी क्या वजह थी जो सुशांत सिंह राजपूत ने खुद की ज़िंदगी ही ख़त्म कर ली। वेल, ऐसे में बहुत सारे सवाल सामने आ रहे हैं, क्या ये नेपोटिज्म का मामला है या फिर कोई और बात है। जब से कंगना रनावत ने सोशल मीडिया पे एक वीडियो शेयर किया है और शेखर कपूर भी जब से आए हैं सोशल मीडिया पे, उन्होंने साइड लेते हुए कहा है कि नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा है और सुशांत सिंह राजपूत को कोई भी काम नहीं देना चाहता था अपने इंडस्ट्री में, जिसके चलते अब इस पे CBI जांच होने वाली है और इसके तह तक जाया जाएगा कि आखिरकार कौन सा ऐसा डिप्रेशन था जिसके चलते सुशांत सिंह राजपूत ने इतना बड़ा कदम उठाया है। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि जितनी भी लेटेस्ट न्यूज़ है या फिर जितनी भी गॉसिप्स है, मैं यानी कि काजल आप तक सबसे पहले पहुँचाती रहूँ। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। थैंक यू सो मच। We'll be right back.